जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, पहले तो आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में, मेरा भाग्य मेरे हाथ में, पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल। इसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा मकर संक्रांति पर क्या क्या आपको दान करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसका पुण्य काल है, क्या समय रहेगा, किस समय हमें यह दान करने हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो आज हम जानकारी देंगे बहुत अच्छी लगेगी, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। सबसे पहले आज मित्रों आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भगवान सूर्य का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, और 14 जनवरी 2022 को भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल में 12 बार संक्रांत आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो पहली संक्रांत को दिया जाता है, जनवरी में जो आती है। सूर्य का उत्तरायण में होना अर्थात देवताओं का देवलोक मार्ग खुल जाना। इस दिन मित्रों भगवान शनि देव की, भगवान सूर्य नारायण की, भगवान श्री हरि नारायण की और साथ में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की पूजा इस दिन विशेषकर रूप से की जाती है। आपको बता दिया जाए, आपकी जानकारी के लिए मित्रों आपको बता देता हूँ, उत्तर दिशा जो होती है वो देवताओं की दिशा बताई जाती है, और दक्षिण दैत्यों की और असुरों की मानी जाती है। साल में 6 महीने भगवान सूर्य नारायण, 6 महीने जो है उत्तरायण में और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं दोस्तों। सूर्य का उत्तर में भ्रमण करना 14 जनवरी 2022 यानी कि मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो सूर्य 12 राशियों पर हर महीने अपने स्थान को चेंज करते हैं, बदलते हैं। भगवान शिव की पूजा के साथ साथ दोस्तों आज के दिन का जो महत्व रहता है, जो मकर संक्रांति के दिन का महत्व रहता है, वो दान का, स्नान का बहुत ज़्यादा रहता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, दक्षिण दिशा दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने पर भगवान सूर्य नारायण के दिन का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन पुण्यकाल मध्यान्ह में दान, स्नान, जप आदि करने से बड़ा ही ज़्यादा लाभ होता है। सभी की समस्याओं का हल भी होगा, सभी को समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करेंगे हम आज इसमें, और साथ में आपको बताते हैं कि आज के दान के महत्व क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सूर्य को दान में जो चढ़ाया जाता है, सूर्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाने के लिए बड़ी सारी वस्तुएं दान की जाती हैं, पूजन पाठ किया जाता है, अर्चना की जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी इस बात की दे दें कि आपको किस समय कौन सा कार्य करना है। इस बार मकर संक्रांति 2022 में कुछ खास संयोग बन रहे हैं। इस समय अवधि में आपको आप क्या क्या दान कर सकते हैं उसको जानने के लिए आप समय को जान लीजिए कि किस समय आपको क्या करना है और कौन सा समय किस समय पड़ रहा है। संक्रांति काल जो पड़ रहा है इस बार 2:42 से लेकर 2:42 पर शुरू हो जाएगा। पुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम को 5:45 तक का रहेगा। संक्रांति काल और पुण्य काल की जो अवधि है 3:02 की लगभग रहेगी दोस्तों। महापुण्य काल जो बन रहा है वो 2:43 से लेकर रात्रि 4:28 तक का रहने वाला है। महापुण्य काल की अवधि जो बताई जा रही है 1:45 की है। अभिजीत मुहूर्त 11:46 सुबह से लेकर 12:29 दोपहर तक रहने वाला है। अमृत काल जो बनता है दोस्तों 4:40 शाम को से लेकर 6:29 तक रहने वाला है।
विजय मुहूर्त 1:54 से 2:37 का रहेगा और गोधूलि वेला 5:18 से 5:42 की रहने वाली है। अब आपको बताते हैं, ये तो आपके पुण्य काल के समय हो गए कि इस दौरान आपको पूजन पाठ दान जप आदि करना है, और क्या क्या दान आपको करना है और क्या प्रार्थना करनी है, किस मंत्र का आपको जप करना है, किस मंत्र को बोल करके आपको दान देना है, इस चीज को आप सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप मंत्र को सुनिए, जिसको जप करके जिसको दान देना है, दान के समय आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। यथा भेदम न पश्यामि शिव विष्णुवर्कः तथा नमास्तु विश्वात्मा शंकर है सदा। इस मंत्र का जाप करके उच्चारण करके आपको दान करना है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है, तीर्थ स्थलों पर स्नान का बड़ा महत्व है। यदि संभव हो सके तो तीर्थ स्थान पर गंगा आदि नदियों में, यमुना जी में, प्रयागराज, जहाँ भी हो सके संभव आप जाकर स्नान करें। यदि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही किसी भी पवित्र नदी का जल, गंगा का, यमुना का, प्रयागराज का, जो भी जल आपके घर में, पवित्र जल आपके घर में है, उसको अपने बर्तन में डाल करके जो है उसका स्नान आप जरूर करें। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, इस दिन उड़द की दाल, चावल, गुड़, तिल, कंबल, चिड़वा, गर्म वस्त्र, इन वस्तुओं का दान 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाला, अनंत गुना फल देने वाला होता है दोस्तों। तिल के दान का महत्व दोस्तों आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी मान्यता भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। भगवान शनिदेव ने भगवान सूर्य नारायण की, यानी कि अपने पिता की, तिलों से अर्चना की थी, पूजा की थी, इसलिए भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उनको वरदान दिया कि आज के दिन जो भी तिल अर्पण करेगा, तिल का दान करेगा, मैं उस पर प्रसन्न रहूंगा, उस पर कृपा बरसाऊंगा। ये भगवान सूर्य नारायण का तिल का दान देने से होता है। तिल के दान से भगवान शनिदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कंबल का दान करने से राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। गुड़ दान करने से शनि, बृहस्पति, सूर्य, इन तीनों के दोषों में बहुत कमी आती है, तो जितना हो सके इनका दान जरूर करें। खिचड़ी, चावल, उड़द की दाल शनि को प्रसन्न करते हैं दोस्तों। उड़द का संबंध सीधा सीधा शनिदेव भगवान से है, चावल का शुक्र और चंद्र से, तो इसलिए खिचड़ी का, चावल का और उड़द का दान विशेष महत्व रखता है। आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, कि हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसमें चावल का विशेष महत्व है। हर पूजा में हम लोग चावल अर्पण करते हैं भगवान को, हर पूजा में चावलों को उत्तम स्थान में माना जाता है, इसलिए चावल का दान करने से चंद्र और शुक्र दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का कार्य कर रहे हैं, तो उससे भी इनको लाभ होने वाला है। चंद्र यश, नाम, कीर्ति प्रदान करता है, और शुक्र जो है व्यापार में और गृहस्थ में आपको प्रसन्नता देते हैं, इसलिए उड़द चावल का दान अवश्य करें। वस्त्र दान करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा भी बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए वस्त्र का दान हो सके, संभव हो तो वस्त्र दान भी जरूर करें। घी का दान, घृत का दान जो है बृहस्पति को प्रसन्न करता है, और इस बार जो मकर संक्रांति पड़ रही है, विशेषकर बृहस्पति वार के दिन को पड़ रही है, गुरु के दिन पड़ रही है, अपने गुरुओं का सम्मान कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, आप घृत का भी दान कर सकते हैं, घी का भी दान कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य उदय होगा, समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके कई रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। भगवान सूर्य की आज के दिन विशेष पूजा इसलिए बताई जाती है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आपको बताया है कि भगवान सूर्य नारायण आज उत्तरायण में जा रहे हैं, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तुला, मकर, मीन, इन राशियों वालों को सूर्य का दान और जप जरूर करना चाहिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त जो कि 5:38 से 6:26 का रहने वाला है, उसमें प्रातःकाल उठकर स्नान करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें,
अर्घ देने के बाद सूर्य नारायण की पूजा करें, क्योंकि सूर्य नारायण को मैंने अपनी पहली वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि काल पुरुष की संज्ञा दी गई है, और सूर्य नारायण भगवान जो है ग्रहों के राजा भी हैं। जब राजा प्रसन्न होता है तो प्रजा अपने आप प्रसन्न होती है, तो भगवान सूर्य नारायण का जप आप जरूर करें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको निश्चित रूप से ही लाभ होने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दान अवश्य दें, संभव हो जितना हो सके उतना करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें, लेकिन अवश्य दान करें, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि दान देने से दान घटता नहीं है, बढ़ करके आपको ही मिलता है। स्नान दान करना ये हमारे शास्त्रों में भी, पुराणों में, वेदों में, सभी जगह बखान किया गया, इसका महत्व क्या है। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि जो स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, दांतों को साफ करने के बाद जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल, यमुना जी का जल, या प्रयागराज का जल, या कोई भी तीर्थ नदी का जल डाल करके उसमें तिल जरूर डालने हैं। तिल डालने से देवता, गंधर्व, पितृ ये सब जो है तृप्त होते हैं, और आपको स्नान का पुण्य फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। प्रयास करें इसमें कि आप इस दिन एक समय ही मध्याह्न में ही भोजन करें, और दान के बाद ही भोजन करें। दान करने के बाद यदि मित्रों आप भोजन करते हैं तो आपको इसका फल और भी अधिक प्राप्त होने वाला है। गृहस्थ में पुत्रवान को संक्रांति का, चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का उपवास नहीं करना चाहिए, इससे निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। 14 जनवरी 2022 को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी दिन आपको एक बात और बता दूं, बुध ग्रह जो है मकर राशि से वक्री होंगे तथा 4 फरवरी 2022 को बुध मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों मित्रों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से मेरा भाग्य मेरे हाथ को निरंतर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए बार बार बोलते हैं मित्रों आपको, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी अपनी कुंडली बनवानी है हमसे संपर्क करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, मिलते हैं आपसे अगली।